वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ अलिफ टीवी पे सबसे प्रीमियर प्रोग्राम। पाकिस्तान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस प्रोग्राम ने। हर आदमी 22 के 22 करोड़ मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, तो कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कुछ ख़ास दोस्तों के पहले कर दूं ताकि वो अपनी वालदा के हवाले से हमें बहुत कुछ बताएं। एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की जब भी इंडस्ट्री का बड़े नामों में से कुछ नाम आएंगे, उसमें नाम है टेलीविज़न की हिस्ट्री, इनके मरूने मिन्नत है। हर ड्रामे में जिसमें ये होते हैं वो खुद ब खुद कामयाब हो जाता है। बुरी से बुरी स्क्रिप्ट हो, अच्छे से अच्छा डायलॉग हो, हर तरह से लोग इनको देखना चाहते हैं। आज तक देख रहे हैं, 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपको इनको देखते हुए। लेकिन आपका दिल अभी क्या भरा, अब तो ज़्यादा आप लोग इसको देखने लगे। यही बात होती है बड़े लोगों में कि वक्त के साथ साथ वो बदलते रहते हैं और अपने आप को मनवाते रहते हैं। और आज यहाँ बैठे हुए मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार, द वन एंड ओनली, पाकिस्तान का लिविंग लेजेंड शब्बीर जान, जो इस वक्त माफिया डॉन लगने लगे हैं। मैं डरने लगा हूँ यार, को सुपारी शुपारी ना ले लेना तू मेरी यार, ये सुपारी वाला काम, तेरा कोई भरोसा नहीं भाईजन, तू जोड़िया बाजार का निकला हुआ आदमी, सुपारी वाला काम नहीं करता डायरेक्ट। अच्छा ये देखा, ये आपने गौर से बोला, आपको टीवी में पहली दफा शब्बीर जान थ्रेट करते हुए अपने भाई को सुनाई दिए, कितने। अच्छा शुरू करते हैं वालिदैन से। जाहिर आपके वालिद का ताल्लुक इंडिया से, इंडिया से। शादी कैसे हुई अम्मा अब्बा की? वहीं हुई थी शादी, वहीं हो गई थी हमारी शादी, हो गई थी। और तो आपने, आपको मालूम किया था कैसे हुई थी शादी, किन वजूहात की बिना पे हुई, मोहब्बत की शादी हुई, खानदानी आपस में रिश्तेदार थे सब, ठीक है। तो जो रिश्तेदारों में कज़न वगैरह में शादी होती है, हो जाती है एक अरेंज मैरिज चीज़। और वो कज़न थी? हाँ जी। फर्स्ट कज़न? नहीं फर्स्ट कज़न नहीं, दूर थोड़ा सा दूर। और आपकी आमद कब हुई सरकार, शादी के कितने अरसे बाद? मेरी पैदाइश है 1960 की। सही है। और उनकी शादी जो हुई है वो हुई है 1945-46 ऐसा कुछ, 1946 में हुई। क्योंकि जब वो यहाँ आए ना तो मेरी 2 साल की बड़ी बहन उनके साथ थी। माशाल्लाह। आप 1960 में पैदा हुए और उससे पहले आपके बहन भाई कितने हो चुके थे? मुझसे पहले 3 बहनें और 1 भाई। और आपके बाद? 3 भाई। 3 भाई। अच्छा ये जो कुनबा आपके वालिदैन चला रहे हैं, ये कहाँ, इनकी रिहाइश कहाँ थी आपकी? जब ये आए हैं माइग्रेट करके वहाँ से, तो यहाँ का एक बड़ा मशहूर इलाका है रामस्वामी, तो वहाँ पर रहाइश इख्तियार की पहले। वो आए थे अपने मामू के साथ, तो मामू ने जहाँ ठहराया वो वहाँ ठहर गए। अच्छा मामू का, अपने वालिद आप मामू के साथ आए? वालिद जो है मेरे अपने मामू के साथ आए, ठीक है। और साथ में वजूहात क्या थी इंडिया छोड़ने की उस वक्त? उनकी वालिदा साथ थी मेरी वालिद। अच्छा। वो भी एक बड़ा ग्रेट कैरेक्टर है हमारी फैमिली का। दादी है? नहीं दादी मेरी। तुम्हारी ज़िंदगी में थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल थी। और उनका एक किरदार हमारे सारे ख़ानदान को बनाने में, चीज़ों में, कारोबार करती थी वो, बिजनेस वूमन थी। जी तेरी दादी बिजनेस वूमन थी? वाह। हाँ दुकान हमारी जोड़िया बाज़ार में दुकान, ठीक है, वहाँ वो बैठ के कारोबार करती थी और आज तक चल रहा है वो माशाल्लाह। हाँ जी ऐसा उनकी बरकत है। अम्मा की दुकान मशहूर है आज भी, अम्मा की दुकान कौन सी है। तो अच्छा वहाँ से ही आए यहाँ पे, यहाँ रहे, फिर जब बच्चे होते थे फिर रन शोडाइन में आ गए, रन शोडाइन में रहे, उसके बाद न्यू कराची ले गए। अरे तो किस किस्म के माँ बाप से? बहुत सख्त सादे से लोग, पढ़ाई लिखाई की तरफ को खास ऐसा ना। अब्बा पढ़े लिखे थे आपके? अब्बा भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़ाई की तरफ तुम्हारी ये भी नहीं डंडा के पढ़ाई करो? इकलौते थे वो अपनी माँ के। और जब उनकी डेथ हुई थी मेरे ग्रैंडफादर की, तो माय फादर वाज 11 मंथ ओल्ड एंड ओनली 1 सन। तो माँ ने पाला बस। 5 बहनें थी उनकी और 1 खुद थे वो। अच्छा नहीं, ओहो, तो इससे मतलब 5 बहनें पहले थी और 1 डेढ़ तो 3 महीने के थे, 5 महीने के थे तो वालिद गए। जी तो ये 11 महीने के थे जब उनके फादर का, मेरे ग्रैंड फादर का इंतकाल। तो मेरी दादी ने उनको पीछे बांध के ना, वो बिजनेस करती थी उस वक्त, कलाई करती थी, बर्तनों पे कलाई होती थी, तो वो कलाई गली घूमती थी उस इंडिया में। और उन्होंने शादी नहीं की और उनको बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया। अपनी एक जिंदगी। तो आपके वालिद भी फिर उसी काम में आ गए? फिर मेरे वालिद भी काम में आ गए। राइट। बादशाह आदमी थे वो, अपने दोस्तों में ज़्यादा रहते थे और अम्मा काम करती थी, अम्मा से पैसे लिए, खुद फिल्में देखने चले गए, अम्मा दुकान पर बैठी हुई है, चल रहा है, इस तरह के थे। लेकिन बाद में फिर खुद बैठते थे, सारा कुछ खुद देखते थे। अच्छा, ये आपकी जब आपने होश संभाला तो किस किस्म का माहौल था और कहाँ थे आप? मेरी पैदाइश जोड़िया बाज़ार की। अर्ली जो याददाश्त है क्या है आपकी? मेरी याददाश्त यही है कि हम वहाँ जोड़िया बाज़ार में रहते थे और गली में आगे जाके हमारी दुकान थी और इतवार को बाहर एक ज़मीन सड़क के ऊपर पथारा लगा करता था छुट्टी वाले दिन, क्योंकि वो बाज़ार चलता था सिर्फ संडे को। तो वहाँ पे वो जो लोग बाहर जाते थे अपने छुट्टियों पर जा रहे हैं तो वहाँ से सामान खरीद के वो जाते थे। वो अच्छा खासा एक क्या रिलेशनशिप अगर आप बच्चे की हैसियत से माँ और बाप के साथ क्या शुरू में बचपन में स्कूल कैसा, किस किस्म के थे आप? भाई मतलब मैं बड़ा अच्छा ज़हीन बच्चा था, सब कुछ थी और पढ़ता भी था अच्छा, लेकिन और अपने लुक्स को भी नज़र में रखे हुए अपना वो गुड लुकिंग समझते थे, शीशे देखने का बहुत शौक। कुछ भी नहीं था, नहीं था इतना कोई हमारे वहाँ ये लुकिंग नहीं थी कि ये बड़ा प्यारा है हीरो लगेगा, पीछे सड़कती शराब जरा सा उल्टा सीधा करो तो पिटाइयाँ वटाइयाँ। आपकी वालदा? वालदा नहीं, अब्बा। अब्बा मारते? वालदा ने कभी नहीं मारा? वालदा ने तो नहीं, वालदा का तो बस उनका क्या काम मारना, उनका काम मतलब हम कुछ करते थे तो उसके बाद बचने के लिए हम उनके पीछे छुपते थे, लेकिन फिर भी नहीं बचत होती थी। नहीं होती थी ना। अब्बा के जो अब्बा अकेले उनकी वालदा ने उनको पाला, एक स्ट्रगल रही होगी बचपन से, तो उनकी शख्सियत क्या बहुत सख्त हो गई इसकी वजह से? इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन वो कुछ मामलात में बहुत थी कि जैसे हर बाप चाहता है, माँ दुआ करती है, प्यार करती है, बाप कोशिश करता है कि ये सारा किसी तरह से ठिकाने लग जाए, कुछ बन जाए, कुछ हो जाए। उसकी अप्रोच मेरी महरूमियाँ उसके अंदर ना हो, जो कमियाँ मेरे अंदर थी वो इसके अंदर ना हो। तो पढ़ाई लिखाई की तरफ आपको धक्का? हम जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर मैंने जब पढ़ना मुझे नहीं, अचानक ही फिर खेल कूद में ज़्यादा दिमाग हो गया, क्रिकेट वगैरह में, इसमें तो वो पढ़ाई से दिल उठ गया। तो उन्होंने कहा जी पढ़ना है नहीं पढ़ना? मैंने कहा जी नहीं पढ़ना, कह दिया साहब। हाँ, तो उन्होंने नौकरी पे लगा दिया मुझे। कितनी क्या उम्र थी उससे? 15-16 साल होगी शायद। शुरू में आप छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं करनी? अब्बा को कोई डिसअपॉइंटमेंट? कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कहा काम करो भाई, कुछ करो। नौकरी करवा दी? किस चीज़ में नौकरी करवा दी? दुकान पर लगवा दिया एक, जाओ यहाँ पे काम करो, बर्तनों की दुकान थी। तो तुम सुबह सुबह निकलते थे? सुबह सुबह वहाँ। क्या उम्र? 16-17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी है? शब्बीर जान ने जो अब आगे आके आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बनेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा, शैब्स सैलून चलाएगा। तो ये सोच रहा होता हूँ कि अगर मैं पढ़ पढ़ लेता तो बनी इंसान के लिए कोई खतरा ना बन जा सकता। तो यही वजह कि मुझे माँ रोक दिया कि ये इसके लिए इतना बहुत है। ये अगर मैं तुमसे पूछूँ, तुम वालिद के साथ या वालदा के साथ तो हम बाद में बात करेंगे, वालिद के साथ रिलेशनशिप किस किस्म की थी आपकी? वो बहुत सख्ती रखते थे हम पर, कभी प्यार से बात नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे बच्चे, मुझे ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है। कभी दिल गले से लगाया? हाँ, नहीं। मुझे ऐसा कभी ये नहीं कहा कि मेरे चांद मैं तेरे से प्यार करता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। ये फीलिंग्स इस तरह की तुमने भी यही रखा है? तो मैं, मेरा भी तकरीबन ऐसे ही रहा। क्या कह रहे हो यार? ऐसे ही रहा है, लेकिन मैं अब मैं दोनों बच्चों को कह रहा I love you, वो भागता है। नहीं, अब जैसे वो एम्बैरेस फील करता है। मेरे दो बच्चे जो है ना फरीदा से, उनके साथ मेरा ये है, ठीक है ना, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अपनी बेटी को हर वक्त आई लव यू बोलता रहता हूँ, ये सब चीज़ें मेरी हैं। अब जो वहाँ उस ज़माने में नहीं थी, वो जो मेरे बच्चे थे उस ज़माने में वैसे ही थे हम जैसे हमारे माँ बाप थे। काम धंधे में जल्दी एहसास हुआ कि बाप काम कर रहा है, ये है वो है, मुझे करना चाहिए काम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी बिकॉज ऑफ आवारा गर्दियाँ। कौन सी आवारा गर्दी थी? बस भाग दौड़ कर रहा था मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया उस जमाने में। बता दे क्या क्या निकल जाता था, घर छोड़ के निकल गया, चला गया लाहौर, चला गया। किस चक्कर में? वैसे ही भाग गए बगैर बताए। पिटाई भी बहुत ज़बरदस्त, घर से भाग गए। नाराज हो? हाँ, नाराज हो गया, बहुत मारा आज ज़्यादा मारा। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर आ गए वापस। और वापस आने का मुझे ड्रामों में तो हम देखते हैं। अब तुम लड़के चले गए हो लाहौर और कितने दिन बाहर रहे हो? तकरीबन एक डेढ़ महीना। डेढ़ महीना ना तुमने फ़ोन किया है? माँ को पता है? लेकिन जॉब ही नहीं मिली, नौकरी नहीं, ढूंढ रहा था लाहौर में। माँ को पता है? बता के गए थे सबको, मतलब बता दिया था मैंने कि मैं नहीं आऊँगा, मैं चले जाऊँगा, अब मैं गया, मैं जा रहा हूँ, बस जो हम देखते हैं जी। और डेढ़ महीने में जिल्लत के बाद वापस आके लख किट वापस क्यों आए तुम? नहीं आते फिर जमाना की बात थी। मेरी माँ ने तो बस दुआएं मांग रही थी कि ये वापस आ जाएगी इस तरह, और मैं आ गया वापस। माँ की वजह से? माँ नहीं अपनी औलाद से दूर रह सकती। राइट, दैट्स ट्रू। तो माँ से तो वापस आ गए तो अब्बा ने फिर जूते मारे? फिर जूते पड़े, फिर मारा दोबारा। मुझे पता था कि मैं पिटूंगा। एक चीज होती ना, मतलब आप जूते से मारते थे या हाथों से? एक अप्रोच होता, हर कोई भी चीज हाथ में होनी चाहिए। खुदा पाक की कसम। हाँ, किसी चाकू, डंडा, चाकू, मतलब एक मिनट, जब एक दफा तुमने देख लिया कि अब ये गुस्से में आ गए अब्बा जान, अब ये कोई चीज भी मार सकते हैं। एक मरतबा तो वो बैत नहीं होती, बैत, हाँ, जिसका उसका जिसको घोड़े से मारते हैं, नहीं उसका इतना मोटा बैत का डंडा, वो मेरे यहाँ मारा था। नहीं यार, मुझे पहली मरतबा दुनिया यूं लगी, डंग डिंग 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 डिंग। वो जो हम कार्टून में नहीं देखते, तुझे जान से मार देते, फोड़ा निकला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका मारपीट है कितने अरसे जारी? बस ये 18-20 साल तक, उसके बाद नहीं। अब्बा उसके बाद अब्बा हो गए? अब्बा हो गए। फिर उन्होंने कहा बड़ा हो गया? हाँ, फिर तुमने कहा अब्बा अपना हाथ लगाना? नाराज रहते थे बहुत, क्योंकि हम आवारा गर्दियों में थे, उसके बाद मजीद आवारा हो गए थे। आवारा से मुराद के लड़कियों के चक्कर थे क्या? दोस्तों में बस घूमना है। हाँ, घूमना फिरना, ये नहीं था कि लड़कियों के पीछे कर गए। लड़कियां वड़कियां में कोई मसला नहीं था। ना ना ना, लड़कियों वाला तो हमें वो देख दिया, हम टाइम नहीं है भाई, दोस्तों से टाइम नहीं है। हाँ, अच्छा अभी चलो, तो बस इन चक्करों की वजह से वो नाराज। 18 साल में शादी हो गई? हाँ। क्योंकि शादी से खुश रहे तुम? मेरा नौकरी का मिजाज नहीं था। मैं 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने जॉब करता था, और उसके बाद दरअसल जो सेठ ने अपना दिखाया कि मैं सेठ हूँ, तो हमने कहा तेरे से बड़े सेठ है, छोड़ के आ गए। अम्मा को भी पता था ये बात? अम्मा कह रही पैसे तो ले आते जितने दिन काम के, मैंने कहा दफा करो, नहीं चाहिए मुझे पैसे। अम्मा हमेशा तेरे साथ राजदान रही? हाँ, हाँ? उसको पता था ये स्पेशल। अम्मा के पैसे मैं निकालता था चुपके से, जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मुझे पता होता था अम्मा कहाँ रहती है, उसमें से 150। और अम्मा को पता भी नहीं चलता था? अम्मा पता नहीं, मेरे पैसे पता नहीं यार, 150 उस जमाने में बड़ी रकम थी भाई जान। आप अपने माँ से चुराया करते थे? चुपके से, अब्बा से नहीं चुराया करते थे? अब्बा के पास होते नहीं थे, अम्मा को दिया करते थे। इनकी रिलेशनशिप कैसी थी? मतलब मेरी माँ ने बहुत, मेरे बाप, हमें उस जमाने में ये था कि डेली एक्सपेंस मिलता था अम्मी को, ठीक है कि भाई ये आज का खर्चा है, कल का खर्चा, आने वाले कल का खर्चा, रात को आके देते थे। अगर दुकान बंद हो गई, हड़ताल हो गया, कुछ हुआ, तो भाई वो आज पैसे नहीं है, गुजारा करना कल खुद ही। तो उन्होंने बहुत बचत करके, बहुत कुछ करके, जो दुकान है आज हमारी, वो भी मेरी वालदा ने बहुत पैसे बचा के, कुछ करके उनको, माँ ने किया सब। माँ ने किया, दादी के साथ मिलकर। यानी कि अब्बा का बस काम ये था कि सारा दिन काम किया, जितने पैसे बचे ये टक, बस ये उसमें गुजारा करो। 6 बच्चे जी, एक कमरा, 5 कमरे, कितने कमरे? 8 बच्चे। 8 बच्चे कितने कमरों में रहते थे? कभी 2 कमरों में रहे, कभी 1.5 कमरों में रहे हैं। या 1.5 कमरों में 8 बच्चे और 2 वालदैन? नहीं, उस वक्त जब 1.5 कमरों में थे हम, उस वक्त थे 6 बच्चे, 2 भाई नहीं थे, तो 2 भाई बाद में हुए, तो एक उस्मानाबाद में हुआ था, आखिरी जो मेरा छोटा भाई है उसकी पैदाइश उस्मानाबाद में रहते थे। जगह छोटी है वो जगह, वो घर बड़ा था। घर बड़ा था मगर कमरे भी बड़े थे? हाँ हाँ, बड़ा घर था वो। इतना बड़े घर कमरे थे? उसके बाद हम न्यू कराची के वो क्वार्टर बड़े थे, उसमें भी रहे हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये करते कराते गुलबहार गुलीमार में, वो भी 4-5 कमरे थे, तो उसके अंदर हम सब। ये अब्बा की, मतलब ये स्ट्रगल का दौर था? जी, अब्बा ने हम सारी जिंदगी स्ट्रगल ही की। हाँ, 6 बच्चों को पालना यार आसान, एक ही बंदा यार। अब वो तो, सादे आदमी थे, लोगों ने तो यहाँ माइग्रेट करके आए थे ना, तो ताले तोड़ के बिल्डिंगों को कब्जे कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही उनको उनके मामू ने बिठा दिया छत पे कि तुम यहाँ से निकलना नहीं बाहर। क्यों? बस उनकी स्ट्रेटजी होगी, जो भी होगा। आपको बताया उन्होंने कि इंडिया छोड़ के क्यों आए, कैसे किन हालात में आए? जा रहे थे, क्या सब आ रहे थे? सब आ रहे थे, उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। सब छोड़ के वहाँ? हाँ। वहाँ क्या करते थे? वहाँ भी यही काम था, बर्तनों का। मेरी दादी खदाई का काम करती थी और ये बर्तनों का काम करते थे। हमारे जो पिछले इंडिया में और यहाँ जो ख़ानदान के जो लोग हैं वो कसेरा बरादरी कराती थी जो बर्तन बनाने का और मठाने का काम। बड़ा काम, अब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग यार। तुमने कोई फैक्ट्री नहीं डाली? नहीं कुछ डाल लो, अब कभी भी वक्त है, बच्चे डाल लो। अभी हम भी अभी तो कुछ शगल ही कर रहे हैं देखा जाए तो। हाँ, हमारे अभी तो भागदौड़ी लगी हुई हर वक्त की यार। दरअसल बात यह है कि सफ़ेद पोशी जो है ना एक मुश्किल काम, यही तो बात कर रहा हूँ कि वो भी इस वक्त सफ़ेद पोशी में उन्होंने जिस तरह से भी करके 8 बच्चों की शादी की है उन्होंने। तुमने भी माशाल्लाह 8 ही किए? मैंने भी 6 बच्चों की शादियाँ की है माशाल्लाह, अल्लाह ने कराई है। मैंने क्या करना है, ताकत मेरी तो हो गई सब। अब ये जो शादी, अब मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे कि अब्बा के साथ तो हम देख रहे हैं कि वो तो सुबह से निकल गए, सुबह फजर के बाद नहीं 9 बजे, 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे निकल गए। उसके बाद आए वापस कितने? वही 9 साढ़े 9 रात के 9:30 बजे। हाँ जी, और 4-5 दोस्त साथ? नहीं अब्बा के हाँ। नहीं अकेले आए, वो ख़त्म हो गया था टाइम उनका दोस्तों वाला। जब तक दादी ने उनको चलाया वो चले हाँ। और उस वक्त तक वो करते रहे जब तक दादी थी ये दोस्तों वाला काम। जहाँ दादी गई वो सब। दादी कब गई? दादी का इंतकाल हुआ। तुम्हारी एज क्या थी उस वक्त? मैं था, मेरे ख्याल में ऐसी था 14 साल का। दादी के साथ कैसे रिलेशन? वो अच्छे थे तुम्हारा? हाँ, वो अक्सर उनके साथ रहता था। वो एक घर और था हमारा, एक घर और था। तो कभी दादी का, अब दादी को मैंने हमारी हलवा खाना। अब दादी बेचारी जा रही है वहाँ से सूजी लेके आ रही है, चीनी लेके आ रही है, हलवा बना के खिला रही है हमें। तो वो एक उनके साथ एक अलग था। भाई तुम उनके अपनी वालदा के ज़माने में मशहूर हो गए थे बहुत? नहीं अपनी वालदा हाँ 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 उनकी दादी की। नहीं उनको नहीं, जब 14-15 साल में उनका इंतकाल हो गया। दादी अब वालदा का तो अभी हुआ है? वालदा तो अभी 3 साल पहले की था। अरे शब्बीर, 6 बच्चों 8 बच्चे के बीच में आप एक आप हैं, तो तवज्जो कितनी रही माँ बाप की आपके ऊपर? नज़र कितनी रखते थे? बस वो जितना रखा सकते थे उन्होंने किया। हमारे ज़माने में यार शायद नजर नहीं थे मेरे बाप। अच्छा वो जो बड़े भाई थे ना, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, माहौल नहीं था ऐसा, एक साफ सुथरा माहौल था, कोई चीज़ें नहीं थी, सब खुला हुआ था। खाने मिलते थे रमज़ानों में, होटलों में पर्दे लगे होते थे और दूसरी तीसरी चीज़ें ओपन थी सब। ये जब बंद हुई हैं चीज़ें उसके बाद से गड़बड़ शुरू हुई हैं सारी, अगर आप देखें तो। मैं वही पूछ रहा था सबसे कि यार वो पाकिस्तान कौन सा था जिसमें सब कुछ खुला हुआ? सब खुला हुआ भी था और एक दूसरे को बिल्कुल किसी किस्म का, किसी को छोटी सी बात तो सोचते ही नहीं। अब सिर्फ छोटी बातें सोचते हैं। अब तो एक दूसरे पे नजर रखने का शौक है लोगों को, बहुत ज़्यादा कर रहा है वो क्या कर रहा है हाँ। और वहाँ परवाह नहीं होती थी उस ज़माने में किसी को। भाई जिसने नमाज़ पढ़ने जाना है तो मस्जिदें हैं, जिसने जो काम करना है उसकी जगह मौजूद थी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते थे कोई। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती थी कि बेटा कहीं गया तो कोई परेशानी है, कुछ कहता आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो हम ज़्यादातर तो उसके बाद क्रिकेट में सुबह से निकलते थे, रात शाम तक आते थे खेल के। तो उस पर भी हमें बड़ी दुनाई होती थी कि बहुत अब कुछ कर ले, पढ़ ले। मगर अब्बा तुम्हें मारते थे तो बेचारे बड़े कंसर्न भाई। 90% हमारे जैसे फादर तो देखते ही नहीं, जो ठीक है बस। मेरे फादर बुलाते थे, बेटे इधर आओ, ये मेरे दोस्त हैं सिद्दीकी साहब, इनको बताओ तुम कौन सी क्लास में हो। मैंने इनको बताया है तुम 5वीं में हो। मैंने कहा नहीं अभी जी, मैं 3 साल पहले 5वीं से आगे आ गया। कुछ जमाने में ऐसा भी था। नहीं मैं बता रहा हूं, इस बात पे खुश होते थे कि पढ़ रहा है चलो। बस वो उतना नहीं होता था, बेफिक्री होती थी कि बच्चा कोई नहीं आ जाएगा। तो वो ऐसी को खास कोई 18 साल की जो शादी का जो आइडिया था किसका था? पता नहीं किसका था, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक उसे। भाई अम्मा इन दोनों में से एक होगा बस। वो कहाँ से आई? सूरत यार बनी थी, मैं चला गया था वही उसी तरह 1.5 महीने के लिए, भागा मार खाई भाग गए। हाँ मैं भाग गया था वहाँ से, उसके बाद वापस आया तो पता चला कि बस मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा है शादी हो रही है मेरी, नहीं मैं खुश हो गया। क्या बोल रहे? पता ही नहीं था शादी होती क्या है, क्या है पता ही नहीं था शादी होती। खुदा की कसम आई स्वेयर। मुझे अभी कोई पूछता है कि आपकी शादी कब हुई थी, मैंने कहा जब मैंने होश संभाला तो मेरी शादी हो चुकी थी, डन। उससे पहले कोई खातून शातून आपकी जिंदगी में औरत क्या होती है पता ही नहीं था यार, खुदा की कसम हाँ। एक अजीब सी चीज, ना फिल्मों में देखा ना ड्रामे श्रामों में आपको ज्यादा शौक था देखने का, तो वो अब्बा ने आपको कहा तो आपको लगा कि जैसे अम्मी ने कहा शादी कर दी तेरी, मैंने कहा कर दे। तो खानदान कहाँ से, अपने खानदान? हाँ, खानदान के अब्बा की तरफ, अब्बा की तरफ के थे, अब्बा की तरफ के थे। शादी हो गई जी, फिर आपको होश आया? बस अभी तक नहीं, अब तक मैं बेहोश नहीं हुआ उस होश के बाद। नहीं, कई लोगों की तो बहुत जबरदस्त चलती है शादी। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान रहा। 46 साल हो गया मेरी शादी को, 46 ईयर्स। दोस्ती है? हाँ, सब ठीक है, बस दोस्ती है। मैं इतना ज़्यादा मेरी वो नहीं है, मैं बातचीत नहीं है। मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये नहीं कि टीवी पे झूठ बोलते हैं। सही बात भाई, क्या ये तो वैसे भी हम आदमी की पर्सनल ज़िंदगी होती है, मगर इससे आदमी सीखता तो है कि भाई ये हुआ तो यूँ हुआ तो यूँ हुआ। उसी दूसरी शादी की वजूहत भी ऐसी थी कुछ कि भाई मैं नहीं मिला, दिमाग नहीं चलता, जहन मिल रहा होता है दूसरी चीज़ों में, बस गुजारना चाहते हैं। तो वो इसीलिए फिर मैंने दूसरी शादी की थी। उसका असर अम्मा थी उस जिंदा, जाहिर है। जी जी, मेरी अम्मी थी। तो उस वक्त आप, अम्मा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। अब्बा? कुछ नहीं, वो तो उनसे बहुत प्यार करने लगे दोनों। दोनों? ये ख्याल बहुत करती थी उनका, ठीक है ना, ये ख्याल बहुत करती थी शुरू से। ठीक है। और वो अम्मी अब्बा, अम्मी अब्बा। तुम जिस तरह के हो, तुम जब अपना तुम मशहूर हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो अब्बा तो कहने लगे उसके बाद। वो यही है कि जब मैं ये सारी चीज़ें चलती रहीं और मैं इसी तरह इधर उधर होता रहा, और मैंने फिर ये थोड़ी सी एक्टिंग का सिलसिला जब मेरा शुरू हुआ और मैं टीवी पे छोटा मोटा आने लगा, तो अब्बा को जी दो जो मस्जिद में इधर उधर बैठते थे, अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो एक्टर बन रहा है, माशाल्लाह ये है वो, तो वो थोड़े से ज़रा अच्छा मज़ा आया उनको, मज़ा आया। ये नहीं था कि तुमने ये क्या गलत काम, नहीं कोई नहीं, वो खुश सारी बात है, तुम क्या कंजरों के काम में पड़ गए और ये है वो, पता है ये नहीं कहा। वो खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा भाई। तो वो जो मेरे लिए पहले कहते थे, गुस्से में कहते थे मेरे वालिद साहब कि तुम पीछे पीछे हो गया और रिश्ता तुम्हारे आगे आगे हुआ, और आप यकीन करो कि वही था कि हम काम के पीछे भाग रहे होते थे, बस कि कहीं काम मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कोई काम मिल जाए, ये वालिद साहब ने कहा हुआ था। फिर वही मेरे वालिद साहब को जब ये बातें पता चली कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, लोग उनके कहने लगे भाई तुम्हारा बेटा तो अच्छा काम कर रहा है, तो वो कन्वर्ट हो गई चीज़ें, फिर उन्होंने मेरे लिए दुआएं करनी शुरू की। वाह! तो आज मैं समझता हूँ मेरी माँ का जो किरदार है इस हवाले से, वो नहीं है जो इस हवाले से इस शो बिज़नेस में जो मेरे बाप की दुआएँ आई हैं ना बाद में, वाह, वो मुझे यहाँ तक ले आई। किस एज में अब्बा की डेथ हुई है? अब्बा तकरीबन 1984 में, नहीं एज उनकी ये थी 2008 में। मैं हैदराबाद में सीरियल कर रहा था और मैं पता चला अब्बा की तबीयत ख़राब हुई, तो मैं फिर यहाँ आप कराची आया, फ़ौरन भागा आया, आके देखा उनको, ज़ियाउद्दीन में एडमिट किया, डॉक्टर से बात की। ये वाला 2008 में पता नहीं वो था भी या नहीं था, हाँ था, तो वो खैर इतना मशहूर नहीं था। तो ये जो मेन अपना टीवी स्टेशन के सामने वाला, ठीक है, वहाँ उनको एडमिट वगैरह किया, डॉक्टर से बात की, खुद भी काफ़ी कॉन्शियस थे। अच्छा, वो जो मैं काम कर रहा था हैदराबाद में, वो काम ऐसा था कि मैं जब निकला हूँ तो वो सब बैठ गए, क्योंकि मेरे बगैर काम ही कोई नहीं था वहाँ पे, इस तरह का मेन लीड था। तो सारा ड्रामा ही तुम्हारे ऊपर था। फिर तो मैंने देखा, मैंने क्या करूँ, एक दिल कह रहा था जाऊँ, एक कह रहा नहीं जाऊँ। मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा वो यार सारा स्टाफ वहाँ पर है, आपकी तबीयत कैसी है वगैरह ये पूछा, ये सब कुछ करके। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। तो मैंने कहा यार वो सारा स्टाफ वहाँ मेरे नाम की माला जप रहा है, क्या करूँ, तो जाओ। मैंने जाओ काम कर, अल्लाह खैर करे। तो मैं फिर उसी इत्मीनान से आ गए कि अब्बा कह रहे हैं तो ठीक है, वो ठीक है। तो चला गया, मैंने रात पहुँचा, शाम को रात का काम किया, फिर सारा दिन काम किया मैंने, और इशा के वक्त फ़ोन आया भाई का कि अब्बा अब नहीं है। तो वो जो भी माहौल था वहाँ पे मेरा, तो मेरी को तो समझ में नहीं आया कुछ भी, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं आज भी सोचता हूँ कि नहीं आता, मैं क्या था 2 दिन नहीं आता तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मैं अब्बा जी की, मेरे जो फादर की डेथ हुई है ना जिस रात, 2 दफ़ा उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि मुझे मिल लो आज, पर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं गया, मेरे थका हुआ था मेरे। आज तक रिग्रेट है मुझे इस बात। बिल्कुल, मुझे बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट है। अब्बा ऊंचा सुनते थे, अब्बा और अम्मी दोनों ऊंचा सुनते थे, दोनों बात करते थे, वो कोई बात कर रहे होते थे, अम्मी कोई बात कर रही होती थी, और आखिर में फिर ये होता अच्छा चलो फिर बात करते हैं दोबारा। उन्होंने अपनी कही, इन्होंने अपनी कही, क्योंकि हालांकि जैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये शऊर बड़े बड़े पढ़े लिखों से ज़्यादा था इनको, इसका मतलब बिल्कुल है ना यार। कह देना मैं अगर बाप होता, बेटा बैठा है पूछे मैं वापस जा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग है मेरी, तो मैं रोक लेता, मैं रुक गया यार, नहीं उन्होंने कहा जाओ काम है तुम्हारा, ये बड़ी बहादुरी की बात। तो फिर मैं यहाँ पे आया वापस, तो उनको वहाँ पे शराब बोर्ड पे रखा था, तो सीधा मैं वहीं गया पहले, क्योंकि वो रात में तदफीन नहीं हो पा रही, देर हो गई थी, दूसरे दिन फिर उनकी तदफीन हुई, वो करके मैं एक दिन। और अम्मा को क्या हाल था उस वक्त? अम्मा बस निडाल थी अपने, उनको मैं She took it well। हाँ मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। 2008 मेरी माँ के हाथ में मेरे बड़े भाई ने दम तोड़ा है और वो सरवाइव किया। मेरी माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ, वो फिर सरवाइव कर गई। मतलब ब्रेन हैमरेज भी ज़ाहिर है इसी सदमे से हुआ होगा। नहीं अलग हुआ था। तो भाई की डेथ कैसे हो गई थी? भाई मेरे अचानक सडन, वो रिटायर हो गए थे, घर पे रहते थे, मुझसे 10-12 साल बड़े। हाँ जी, मेरे से बड़ी बहन और बहन से बड़े वो, तो तकरीबन कोई 6-7 साल का फर्क था। तो वो अम्मी के बड़े भाई टाइप के थे या दोस्त टाइप के थे? वही थे ना, बड़े बड़े वो भी मारते थे ना जो। हाँ वही भाई, सुनो तुम्हारा बड़ा भाई बाप दोनों मिलके मारते थे वो वाले। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा। वो फिर उसके बाद भाई मेरा जो बड़ा है ना, वो एक एज में आके उस सरेंडर कर गया था वो भी। फिर हम एक जगह शादी में थे, तो मैं उठ के जा रहा था, कार्ड खेल रहे थे, तो बोला कहाँ जा रहा है? मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा क्या कहा जा रहा, आ रहा हूँ। चल चल यहीं बैठ के पी ले। तो वो फिर सिगरेट विगरेट भी सामने शुरू हो गई हमारी, तो वो उसके बाद से मामला जो है ना बेहतर हो गए जाहिर है। तो जब मेरे भाई जो थे वो घर में तबीयत खराब थी, क्या अम्मी के साथ रहते थे, राइट, उनका ख्याल रखते थे, दस्तरखान लगाते थे, खाना लगाते थे अम्मी के साथ, उनके साथ खाना खाते थे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे। मस्जिद हमारी दीवार के साथ ही यहाँ गुलबहार में, तो नमाज़ पढ़ के फिर अम्मी के पास आए थे, दोनों माँ बेटे बैठ के टीवी देखते थे। तो वो एक दिन यही हुआ, वो खाना वाना खाया, उन्होंने बर्तन वर्तन समेटे, सब कुछ हुआ, अब टीवी का प्रोग्राम देखना दोनों ने, तो वो ऐसे रिमोट लेने के लिए यूँ आगे बढ़े और वहीं गिर गया वो, हार्ट अटैक। तो वो मेरी माँ आवाज़ें देती रह गई क्या हुआ, उठा के उसको, और वो थोड़े से गुस्से में भी ठीक थे, तो वो उनके हाथ में सोचा चले गए। उसको भी सहा उन्होंने, उन्होंने भी सहा। भाई के वो जाने के कितने अरसे बाद हुई माँ की डेथ? मेरी अम्मी की 3 साल, भाई के इंतकाल को हो गया 8-9 साल हो गया। तो कैसे कोप किया तुमने? माँ से पूछा, कैसे उसको दिलासा दिया, क्या किया? सब बस उन्हीं के साथ थे ना। फिर हमने ये कह दिया सब भाइयों को, भाई क्या ये सुबह कहें तो बोलो सुबह, ये कहें रात तो रात, ये कहें ये चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते मुझे बोलें, ये नहीं हो सकता तो मैं बताऊँगा जो भी करना है। जैसे तो उनकी किसी बात को अब रद्द नहीं करना किसी में, तो हमने ये एक वतीरा बना लिया था सब। 1960 और अब हो गई है 2024 जी। आप कह रहे हैं कि 3 साल पहले 2021 में, तो ये इतना तवील अरसा, ये आखिरी दिनों में आपके साथ नहीं हूँ? मेरे साथ नहीं रही, मैं 94 तक उनके साथ। उसके बाद आप अपने अलग हुए? हाँ, मगर जाते रहते थे, जाते रहते। बड़े भाई के पास रहेंगे? बड़े भाई के साथ, उससे छोटा भाई भी वहीं था, 2-3 भाई रहते थे साथ। अच्छा, उन्हीं के साथ। तो वो और बेटियाँ? वो अभी भी जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था तो मैं उनसे कहता था चलो बड़ा सुकून है वहाँ पे, और कहती नहीं भाई मुझे बच्चे चाहिए, मेरा घर है अभी। तो तुम्हारा अब कितना, हफ्ते में 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में 1-2 बार मिलना? हाँ मैं जब दिल चाहे, मतलब कोई तो कितना एवरेज कितना जाते? जब दिल चाहता था चला जाता, हफ्ते में 2 दिन चला जाता, कभी रोजाना चला जाता था, कभी मैं 15 दिन नहीं जा रहा, तो कोई मैंने बांधा हुआ नहीं था। हाँ कोई रूटीन नहीं, मगर वो करती थी कभी कभी। हाँ वो कहती थी कहाँ बेटा, फ़ोन आता था कहाँ है आज, मैंने कहा अम्मा बस आ रहा हूँ जैसे होता है इंशाल्लाह। लेकिन बस एक वो था, साजिद के माँ हैं वो, चले जाऊँगा मैं मिल लूँगा उनसे जाके, ये एक फीलिंग थी ना, वो एक बड़ा सहारा था। अम्मी है तो सही यार, चले जाऊँगा मिल लूँगा। क्योंकि जब मैं ये सब चीज़ें मेरी पिटाइयाँ होती थी ना, जिस पर अब्बा भाई मुझे मिलके जैसे भी अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने उनकी पिटाई के बारे में। लेकिन जब वो मुझे ऐसा करते थे तो मेरी माँ मुझे पीछे छुपा लेती थी और मेरे वालिद साहब से कहती थी कि इसको मत मारो। ये जो है ना, ये मेरा खोटा सिक्का है। खोटा सिक्का क्यों? बस ये खोटा सिक्का है मेरा, जब ये चलेगा तो बिल्कुल दूसरा सिक्का नहीं चलेगा। आज अल्लाह ने मुझे दिखाए, मैं सारे भाइयों के अंदर अल्लाह ने मुझे अलग एक मुकाम दिया। माशाल्लाह। ये बताओ, तबीयत खराब हुई, आखिर में क्या हुआ? बीमार हो गई थी। ठीक है। हर रमज़ान के पहले रोज़ा मैं उनके साथ अफ्तार करता था। एज यूजुअल इस बार भी मैं गया था, बच्चे भी थे मेरे साथ, तमाम थे। और मेरी पहले रोज़े की अफ्तारी के बाद 10 बजे वो शूट भी थी, तो मैं उनके साथ बैठा, अफ्तार वगैरह की। तबीयत, उन्होंने एक बात की जो उन्होंने कभी भी नहीं की थी मुझसे। मैंने पूछा, अम्मा ठीक हो जाएगा सब, परेशान हो रही है, आपके साथ होता रहता है, आप संभाल लेती है, हो जाए गुजर जाती है आपकी। तो मुझे कहने लगी कि हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा कैसी बातें कर रही हमने, कहने की हिम्मत नहीं हो रही हम। अरे मैंने कहा छोड़े, हम ऐसी बातें मत करें, अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है, ये वो सलामत है। मैं उनको कहे बगैर बाहर निकला और काम पे चला गया, उनको कहे बगैर चला गया। तो काम करके मैं रात को शहरी के वक्त घर पहुंचा था। शहरी पे मैंने शहरी वेरी की और मैं नमाज पढ़ के लेटा। अभी मेरी आँख नींद और उसमें था ही मैं कि फरीदा आई, उसने मुझे उठाया, शब्बीर, मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी दिन मुझे बताया नहीं उसने कि अम्मी का इंतकाल हो गया। आप यकीन करें उसने नहीं बताया मुझे, बट मेरे मुंह से बेख्तियार निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो सुबह शहरी के वक्त उनका इंतकाल। ये तो बड़ा अच्छा वक्त, बहुत मुबारक वक्त है। खामोशी से क्या रिग्रेट्स हैं? रिग्रेट्स लाइफ के सिवाय रिग्रेट्स की और कोई चीज़ है ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। अब तो नहीं, हम तो उनका क्या उतार सकते हैं, क्या कर्ज कर पूरा कर सकते हैं। एक दिन पेट में रहने का हिसाब पूरा नहीं कर सकते, तो बाकी उनका जो कुछ करना है उसको क्या। हम, मैं लगता है कि हमारे माँ बाप ने ये किया, हमारे माँ बाप ने। ये जो चीज़ें ना, ये बाद में ख्याल आता है, यही है। हाथ में तो कोई ना किस्मत देखने का। इवन जैसे माँ ने कहा कि हिम्मत नहीं रहेगी अब जीने की। साजिद साहब, इवन दो हम अपनी औलाद को समझाते हैं कि अभी भी सोच, अभी वह है, अभी यार बैठ के गप लगा लो, हमसे थोड़ी बात कर लो यार। तो वो कहते हैं यार अब तुम लोगों ने कहाँ जाना है। तो ये बात है, ऐसे ही है सब। माँ और अब्बा, ये एक ऐसा रिश्ता है कि किसी को भी हम बात करें, इसका कोई वो नहीं है ना, ऑल्टरनेट है ना, इन रिश्तों का ऑल्टरनेट नहीं है भाई। बस अच्छा, कोई बाप की तरह टेक केयर कर लेगा आपकी, शायद चाचा कर लेगा, ताया कर लेगा, बाप की तरह देख लेगा आपको। माँ की तरह कोई नहीं देख सकता आपको, ये मैं बता दूँ। माँ का नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता। वो जो माएँ हैं, मैं इतना बड़ा हो जाता था, अभी जब बात कर रहा हूँ, जब भी कोई, तो मैं जाके बस उनकी गोद में लेट जाता था, कुछ भी। वो मेरे लिए बादाम रखती थी निकाल के, काजू रखती थी, अखरोट रखती। अच्छा, गप्पे शप्पे लगती रहती थी, 2-3 घंटे लगते थे। कि मैं तो अपनी वालदा से बात करने की कोशिश करता था, वो बहुत खामोश तबा थी, बस वो सुनाती थी मुझे ना कहानियाँ, ये हो गया वो हो गया। और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है उसकी। मैंने कहा था कि जब उन्होंने कहा था कि ये सिक्का जब चलेगा तो फिर कोई सिक्का नहीं चलेगा, तो आप यकीन करें वो सारी दुनिया के काम मुझे कहती है, शब्बीर उसको ज़रा देख ले, ये करना है, उसका ज़रा ये देख ले, वो करना है, सबके काम। फिर मैंने शादी की फरीदा से, तो उसके बाद फरीदा से कहती थी इसको बोल ये करवा दे, उसका काम फला का ये करवा दे, भाई का ये करवा दे, बहन का ये काम है, फला का ये काम है। तो वो ऐसे, और मेरी क्या ताकत है यार किसी की। अगर अभी मिले एक दफ़ा तो क्या कहोगे? मिल ही ना जाए यार, क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा फरीदा कैसी माँ है? बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी माँ, गिव अप नहीं करती। और पहली वाली तो बस बना दिए ना हम लोगों ने, वो मेरे चक्कर में ले गए कि आदमी ठीक नहीं होकर जरा मेरे लिए, तो वो इसी चक्कर में ज़्यादा रही कि वो भी अच्छी माँ वो भी बहुत कमाल होगी। माँ बिल्कुल अच्छी है, वो बच्चे बता सकेंगे कितनी अच्छी माँ, लेकिन जिन्होंने उसके साथ टाइम। तुम कैसे बाप हो अगर खुद को एनालाइज कर? मैं बहुत ही अजीब बाप उस वक्त जब वो बच्चे मेरी शादी हुई थी तो मैं खुद अपना लड़कपन ढूंढ रहा था यार, 18 साल की उम्र, तो मैं खुद ही बच्चा था, मैं अपनी मस्तियाँ ढूंढ रहा था, उनके साथ मेरा कोई टाइम इतना नहीं हुआ। जिन लोगों के पास माएँ हैं, शबीर भी टाइम खत्म हुआ, क्या कहोगे उन्हें? बस उनको यही कहूँगा कि दोबारा नहीं मिलेंगी आपको, जब तक ये है आपके पास कोई मौका ना गंवाइए इनकी खिदमत करने से। वो जो कहते हैं ना कि माँ बाप के सामने उफ नहीं करनी, उफ क्या, कौन सी उफ की बात हो रही है? पता है आपको कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे दर्द है, तो मैं अपने माँ बाप के सामने अपनी तकलीफ का इजहार भी ना करूँ, उनको कुछ कहना तो बहुत बड़ी बात है। कि मैं अपनी तकलीफ पे उफ ना करूँ कि उनका दिल पता नहीं कट जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, अल्लाह खैर। तो लिहाजा लोगों को ये बताएं कि वो कहते हैं ना माँ बाप को उफ ना करो, उफ वाला नहीं है कि माँ बाप को झड़को या डांटो, नहीं, ये तो आपकी दोज़ख है, क़यामत में जो आपका हाल होगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें ये वो उफ ये है कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ है और मैं अपनी माँ के पास बैठा हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं अपनी तकलीफ़ भी ना बताऊँगा, उस पर उफ ना करूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है वो खुश नसीब बेटे जिन्होंने माँ की दुआएं ली और अपना नाम किया और ज़िंदगी में। साजिद भाई एक 8 जमात पढ़ा हुआ आदमी, कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसी जान पहचान नहीं, वो जब ये सब चीज़ें दुनिया ने आज मैं देख रहा हूँ अपने आगे सारा कुछ, क्या वजह है उसकी? यही है मेरे बाप की मेरी माँ की दुआएं हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा, मेरी औकात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा लगा, शुक्र नहीं है जिसको अल्लाह यार, लेकिन अल्लाह ने इसे दी है बहुत, तुझे अल्लाह माफ बेशक देखे ये, फिर मैंने नहीं कुछ नहीं लिया ना, माँ की दुआएं अल्लाह ने इज्जत दी, उसका काम है देना। ये बात सच है, मैं भी और आप भी, अगर ये बात आप शबीर जान साहब की सुन रहे तो अपने माँ बाप को। मैं तो इस प्रोग्राम के हवाले से फिर भी जितना लोग देख रहे हैं जो भी कुछ कह रहे हैं, मैं रमज़ानों में भी किसी शो में जाता हूँ तो मैं ज़रूर, क्योंकि मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं कैमरे के सामने बैठ के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उन मेरी ज़ात से अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग है, उस अल्लाह ने मुझे क्या मौका दिया है कि मैं लोगों से जो दुनिया में उन सबसे माफ़ी मांग सकता। थैंक यू शबीर जान, बहुत जज्बातियों के माँ की बातें सुन के ना दिल तो मेरा भी बहुत रोया, इनकी बातें सुन के अपनी सबको माँ, जिस चीज़ को माँ याद आई जिसकी नहीं है उसके लिए दिलासा, और जिनकी है खुश नसीब हो वाकई, उनको जितना हो सके उनसे फ़ायदा उठा लें। ये थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मेरी माँ, हमें लिखें किसको आप चाहते हो हम इंटरव्यू करें, आपकी आरा से हम मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं, आपके लिए जो चाहेंगे हम करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, मैं तो पानी पिलाऊँ, खुदा।